हेलो फ्रेंड्स, आज इस पाइथन ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में डिक्शनरीज कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से बनाते हैं डिक्शनरीज को, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें आइटम ऐड करते हैं, रिमूव करते हैं, डिक्शनरी को कैसे अपडेट करते हैं, किस तरीके से उसे एक्सेस करते हैं, प्रिंट करते हैं, आइटम्स को कैसे रिमूव करते हैं या डिलीट करते हैं। तो ये मेरे टॉपिक्स होंगे इस ट्यूटोरियल के। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्रिएट। पाइथन में डिक्शनरीज किस तरीके से क्रिएट की जाती है, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीका है। एक वेरिएबल लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है डायरी, और कर्ली ब्रेस के अंदर वैल्यूज लिखेंगे। इस तरीके से अब अपनी वैल्यूज़ देंगे। ये मेरी पहली वैल्यू है, ये बेस्ड होता है की और वैल्यूज़ पे। ये यहाँ पर की है और ये यहाँ उसकी वैल्यू है। की हमेशा जो है डबल कोट्स के अंदर देंगे और वैल्यू डिपेंड करती है कि किस टाइप की है। जैसे एज, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी तो आप इसको विदाउट कोटेशन मार्क लिखेंगे। थर्ड वैल्यू है कंट्री, थर्ड की हमारी कंट्री, इस तरीके से आप जो है अपनी जो है की और वैल्यूज को इस वेरिएबल में डिफाइन कर सकते हैं कर्ली ब्रेस के अंदर इस तरीके से। ओके, तो ये एक तरीका हो गया जिससे आप इस तरीके से आप जो है कर्ली ब्रेस के अंदर इस तरह से वैल्यूज लिखकर और वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप डिक्शनरी बना सकते हैं पाइथन में। और दूसरा तरीका है कंस्ट्रक्टर मेथड। इसमें किस तरीके से करना है, ये हमारा वेरिएबल है और कंस्ट्रक्टर मेथड का कॉल करेंगे हम यहाँ पर डिक्ट इस तरीके से, और सेम उसी तरीके से वैल्यूज और की को यहाँ डिफाइन करेंगे। हमारी की है नेम, यहाँ पर की को सिंपल लिखना है इस तरीके से, और वैल्यू आपकी जिस तरीके की होगी इस तरीके से। एज 21 कॉमा इस तरीके से कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम डिक्शनरी बना सकते हैं। डिक मेथड कॉल करेंगे और कीज को इस तरह लिखेंगे विदाउट डबल कोट्स के, और उसकी वैल्यूज को अगर स्ट्रिंग वैल्यू है तो डबल कोट्स में, और न्यूमेरिक वैल्यू है तो ऐसे ही सिंपल लिखेंगे हम। ये हमारी वैल्यूज और डिक्शनरी हो गई। सेम डिक्शनरी आप इस तरीके से बना सकते हैं या कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल करके भी आप बना सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप जो है डिक्शनरी पाइथन में बना सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं इसमें किस तरीके से आइटम, नए आइटम जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। ओके, हम देखेंगे कि डिक्शनरी को किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट, ओके, तो बहुत ही सिंपल है। प्रिंट मेथड कॉल करेंगे आप और अपने वेरिएबल को पास करेंगे यहाँ पर डायरी। इस तरीके से आप अपनी जो है डायरी को प्रिंट कर सकते हैं, डिक्शनरी को प्रिंट कर सकते हैं, जहाँ पर डायरी एक हमारा डिक्शनरी का वेरिएबल है। ओके, अब इसको एक्सेस किस तरीके से करते हैं। जैसे हमारा एक एक्स वेरिएबल है और हमें अगर डायरी की को एक्सेस करना है, की के बेस पर हम उसे एक्सेस कर सकते हैं डायरी, और हमें चाहिए यहाँ पर नेम। इस तरीके से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो डायरी में आपकी
जो वैल्यू है आपकी डिक्शनरी में वो इस वेरिएबल के थ्रू इसको एज ए सबस्क्रिप्ट यूज करके यहाँ पर की देंगे और की पास करेंगे तो ये इसकी वैल्यू रिटर्न करेगा और ये एक्स में स्टोर हो जाएगी। इसकी वैल्यू यहाँ पर है जो आपने स्टोर की हुई है एक्स वाई जेड। ओके, दूसरा तरीका है कि आप इसमें मैथड कॉल कर सकते हैं एक्स इक्वल टू डायरी डॉट गेट नेम। इस तरीके से गेट मेथड कॉल करके भी यहां से आप जो है वैल्यू को ले सकते हैं, आपको यहां पे आउटपुट में एक्स वाई जेड मिल जाएगा। अब अगर आपको कोई आइटम यहां पर चेंज करना है या अपडेट करना है तो किस तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल है, डायरी। और आपको क्या चेंज करना है, अगर आपको किसी की पर जैसे एज चेंज करनी है तो आप डायरी और एज कॉल करेंगे और यहाँ पर आप वैल्यू चेंज करेंगे 22। जैसा मैंने जो स्टोर किया था पहले 21 स्टोर किया था, वहाँ पर एज जो है 22 स्टोर हो जाएगी। इस तरीके से आप अपनी वैल्यू को चेंज या अपडेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अब जो हमारी डायरी है उसको इटरेट किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से उसके सारे आइटम्स को गेट करेंगे। आपको अपनी डायरी इटरेट करनी है, इसमें से अगर आपको सारी की निकालनी है ऑल कीज, तो आप इस तरीके से करेंगे फॉर एक्स इन डायरी प्रिंट एक्स। इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी जो डिक्शनरी है उसमें से सारी जो है कीज प्रिंट हो जाएंगी। अगर आपको सारी वैल्यूज लेनी है ऑल वैल्यूज, तो आप यहां पर करेंगे प्रिंट इस तरीके से फॉर एक्स इन डायरी प्रिंट डायरी एंड एक्स। ये जो कीज हैं उसको यहाँ एज ए सब्सक्रिप्ट पास करेंगे और ये आपको सारी वैल्यूज इटरेट करके रिटर्न कर देगा यहाँ पर। या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं फॉर एक्स इन डायरी डॉट वैल्यूज, सारी जो है आपने वैल्यूज मेथड कॉल किया इस डायरी ऑब्जेक्ट पे और आपने कहा प्रिंट एक्स। इन दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं वैल्यूज को गेट करने के लिए। अब अगर आपको सारी वैल्यूज और सारी की दोनों प्रिंट करने हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप इस तरीके से करेंगे फॉर एक्स कॉमा वाई इन डायरी डॉट आइटम्स मेथड कॉल करेंगे आप यहां पर इस तरीके से और आप बोलेंगे प्रिंट एक्स कॉमा वाई। इस तरीके से इस आइटम्स मेथड को लेकर आप यहां से की और वैल्यू बोथ दोनों को भी एक साथ जो है आप प्रिंट कर सकते हैं। ओके, अब अगर आपको ये पता करना है कि कोई स्पेसिफिक की एग्जिस्ट करती है आपकी डिक्शनरी में या नहीं, तो आप इफ यूज करेंगे। इफ यहां पर की का नाम देंगे कंट्री इन डायरी इस तरीके से प्रिंट एस। Else, print, no. इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपकी डायरी में या डिक्शनरी में जो है ये कंट्री की एग्जिस्ट करती है या नहीं। अब अगर आपको लेंथ निकालनी है आपकी डिक्शनरी की तो क्या करेंगे, तो आप लेंथ फंक्शन यूज करेंगे प्रिंट लेंथ एंड वेरिएबल नेम डायरी। ओके, इस तरीके से आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी कि डिक्शनरी की लेंथ क्या है आपको। अब अगर आपको कोई आइटम ऐड करना है इसके अंदर तो आपने कहा डायरी और आपको कोई आइटम ऐड करना है डेजिक डेजिग्नेशन डेजिक
ओके इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं नया आइटम इंजीनियर। ओके अगर आपको डायरी अपडेट करनी है तो आप जो है डायरी डॉट अपडेट मेथड कॉल करके भी कर सकते हैं, अपडेट डेजिक सॉरी और यहां पर इसकी वैल्यू इंजीनियर। इस तरीके से आप अपनी डायरी में कोई नया आइटम ऐड कर सकते हैं, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका है आप मेथड कॉल करके, अपडेट मेथड कॉल करके भी ये काम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर डायरी से कोई आइटम रिमूव करना हो, डायरी को डिलीट करना हो, क्लियर करना हो तो किस तरीके से करते हैं। अब आपको अपनी डायरी से कोई आइटम रिमूव करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है पॉप मेथड, डायरी डॉट पॉप, और आपको यहाँ पास करना है की। जैसे मुझे अगर एच की को हटाना है यहाँ सर, तो इस तरीके से आप देंगे डायरी डॉट पॉप और की नेम एज। ओके दूसरा तरीका है आप इस तरह से कर सकते हैं डेल डायरी और यहां पर आप देंगे इंडेक्स जो है में की पास करेंगे तो ये जो है इस आइटम को हटा देगा आपकी डिक्शनरी में से। ओके अब अगर आपको लास्ट इंसर्टेड आइटम को हटाना है, जो सबसे लास्ट में आपने इंसर्ट किया है अगर उसे हटाना है तो आप कॉल करेंगे डायरी डॉट पॉप आइटम। ये मेथड जो है आपका जो लास्ट आइटम होगा उसे रिमूव करेगा, लास्ट आइटम। ओके इस तरह से अगर आपको डायरी डिलीट करनी है तो आप बहुत ही सिंपल कमांड यूज करेंगे डेल डायरी। इस कमांड के काल से आपकी जो डिक्शनरी है डिलीट हो जाएगी, डिलीट डिक्शनरी। ओके तो इस डेल में और इस डेल में थोड़ा सा ही अंतर है। अगर आपने यहाँ इंडेक्स नहीं दिया है, कोई की पास नहीं की है, तो ये पूरी डायरी को डिलीट करेगा, यानी पूरी डिक्शनरी को डिलीट करेगा। और अगर आपने इंडेक्स दी हुई है इस डायरी ऑब्जेक्ट के साथ में, तो आपकी सिर्फ जो है ये जो डिक्शनरी से सिर्फ इस आइटम को रिमूव करेगा। अब अगर आपको डायरीज के अंदर जो भी वैल्यूज हैं आपकी डिक्शनरी में उन सबको क्लियर करना है तो बहुत ही सिंपल कमांड है, आप मेथड कॉल करेंगे डायरी डॉट क्लियर। क्लियर ऑल आइटम्स फ्रॉम डिक्शनरी। ओके इस तरीके से आप जो है सारी जो आइटम्स हैं आपके डिक्शनरी में उन्हें रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको डायरी कॉपी करनी हो तो किस तरीके से करेंगे, कॉपी ऑफ डायरी एक वेरिएबल लेंगे हम यहाँ पर और कॉल करेंगे कॉपी मेथड। ओके इस मेथड से आपकी जो डिक्शनरी है वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी और यहाँ पर उसकी दूसरी कॉपी तैयार हो जाएगी। एक दूसरा तरीका भी है इसको करने का, कॉपी ऑफ डायरी, या आपने वेरिएबल लिया और यहाँ डिक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया और यहाँ पर आपने अपना वेरिएबल पास कर दिया डायरी। ओके इस तरीके से भी आप जो है कॉपी बना सकते हैं अपनी डिक्शनरी की। तो आज के लिए इस पाइथन ट्यूटोरियल में इतना ही। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।